स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आरोही और अवरोही क्रम की। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शब्द आता है आरोही। क्या होता है आरोही? आरोही आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे बहुत बार पर्वतारोही। क्या नाम सुना होगा? पर्वतारोही। ठीक है, तो यह जो शब्द बना, ये किससे बना? पर्वत प्लस आरोही, मतलब पहाड़ पर जो चढ़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। तो आरोही का मतलब होता है चढ़ना, या फिर हम बोल सकते हैं बढ़ना। ठीक है, आरोही का मतलब हो जाएगा चढ़ना या फिर बढ़ना। क्लियर? तो बात आती है कि आरोही क्रम क्या है फिर। तो संख्याओं की जब बात होती है, या अगर हम क्रम की बात करें, तो क्रम का मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक के बाद एक जमाना। क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक जमाना। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? क्रम बोलते हैं। तो अगर संख्याओं की बात की जाए, तो संख्याओं में आरोही क्रम क्या होगा? तो संख्याओं में आरोही क्रम क्या होगा कि संख्याओं को इस प्रकार जमाना कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आए, और उसके बाद उससे बड़ी, और उसके बाद उससे बड़ी, और यह क्रम चलता रहे, और यह क्रम चलता रहे। जैसे एग्जांपल देखें, तो मान लो हमारे पास तीन संख्या है, 52, 65 और 13। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 13। फिर उससे बड़ी, तो उससे बड़ी है 52, और उससे बड़ी, तो उससे बड़ी है 65। ये जो क्रम है, ये कैसा क्रम है? आरोही क्रम। बात करें अवरोही, तो अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा? उसी तरीके से आरोही का मतलब चढ़ना या बढ़ना था, तो अवरोही का मतलब हो जाएगा उतरना या फिर घटना। और संख्याओं के केस में देखा जाए, तो अवरोही क्रम क्या होगा? तो अवरोही संख्याओं का घटता हुआ क्रम होगा, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। मतलब क्या हुआ कि अर्थात सबसे बड़ी संख्या लिखी जाए, और उसके बाद उससे छोटी संख्या, और उसके बाद उससे छोटी संख्या। और यह क्रम चलता रहे। इसके लिए हम पिछले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर हमारी संख्या क्या थी? 52, 65 और 13। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 65 है, उसके बाद में 52 है, और सबसे छोटी संख्या 13 है। तो ये कैसा क्रम होगा? अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही में अंतर क्या होता है? आरोही क्रम में संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटे से
बड़ी लिखी जाती है। जबकि अवरोही क्रम में संख्याएं घटते हुए क्रम में बड़ी से छोटी लिखी जाती है। तो समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से हम आरोही क्रम बोल सकते हैं और किस तरीके से हम अवरोही क्रम बोल सकते हैं और उनमें क्या अंतर है। तो अंतर सिर्फ इतना सा है कि आरोही क्रम की जब भी बात आएगी, आरोही का मतलब बढ़ना या चढ़ना, तो छोटी से बड़ी संख्या की तरफ हम बढ़ेंगे और अवरोही क्रम में हम बड़ी से छोटी संख्या की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे।